कुल्लू जिला में देवभूमि संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी ओम प्रकाश शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में 365 देवी देवताओं की 84,000 बीघा भूमि तत्कालीन सरकार ने काश्तकारों के नाम लगाई है। इस मामले में उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने 30 अगस्त को कुल्लू जिला के 363 देवी देवताओं के कारदारों से स्टेटस प्रदेश हाई कोर्ट ने तलब किया है। पहले जो जमीन देवताओं के नाम थे उनको अपनी चुनी हुई सरकार ने काश्तकारों का नाम कर दिया, जिसके बारे में हमने 2014 में हाई कोर्ट में केस किया था, क्योंकि देवता माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी किसी को भी एक्सचेंज नहीं हो सकती है। इसकी कई पेशियाँ हो गई, पेशियों के बाद 30/8/22 को हाई कोर्ट ने हमें आदेश किए हैं कि जिसके पास अभियोग पक्ष, जिसके पास भी ज़मीनें हैं, उसका ब्यौरा सारा हमारे कोर्ट के सामने रखा जाए। हमारी एक मांग थी कि हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू वगैरह थे। कोर्ट ने कहा कि आप दूध को बिल्ली का प्यारा दे रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम खुद एक्शन लेंगे। आप ये बताएं कि भाई किस देवते की किस किस के पास ज़मीन है, वो ब्यौरा हमने 27/9/22 से पहले हाई कोर्ट में देना है, जिसके लिए हमने समस्त कारदार 365 कारदारों को रजिस्टर पत्र भेज रहे हैं, पत्रकार आपके माध्यम से मैसेज कर रहे हैं कि कोई कारदार ये ना उसको पता ना लगे, उसके लिए हम सबको मैसेज कर रहे हैं कि 27/9 पहले से पहले हाई कोर्ट में अपना जवाब हल्फिया बयान दायर करें, ताकि हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए, कि पारदर्शिता लाई जाए। जब देवी देवता नाबालिग हैं तो नाबालिग की प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं होता, जो सरकार ने किया है। बिग लैंडेड एक्ट 1952 और लैंड टेनेंसी एक्ट 1972 में प्रावधान रखा है कि आप फौजी, विधवा और अपंग और नाबालिग चार लोगों की ज़मीन को काश्तकारी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने चढ़ा दी। उसके विरोध में जो जो आज तक गए सुप्रीम कोर्ट ने केस लोगों की ज़मीन दी, क्योंकि बियॉन्ड द एक्ट कुछ नहीं होगा, ये कानूनी प्रक्रिया है। देवताओं की ज़मीन देवताओं के खाना काश्त में लगेगी, ये हमें पूरा विश्वास है। के 365 के लगभग माफीदार और गैर माफीदार ज़मीन है, जिनकी ज़मीनें गई है। ये जो ज़मीनें हैं ये 92,000 कुल जमीन कुल्लू के देवी देवताओं के पास थी, जिसमें 84,000 बीघे काश्तकारों के नाम चले गई है। इस ज़मीन को लेकर के हमारा केस 2014 में हाई कोर्ट में एडमिट हुआ था। अब एडमिशन के बाद इस केस की जो वस्तु स्थिति यह है कि जो काश्तकार है, जिन्होंने देवताओं का काम करना छोड़ दिया है, या तो वो ज़मीन छोड़ें या वो काम करें, जहाँ तक देवताओं की ज़मीन आगे बिकी है या जो भी कुछ हुआ है, ये सब कुछ हाई कोर्ट के अधीन है। हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आज के दिन जो कारदार है, कारदार मालिक नहीं है, कारदार कस्टोडियन है, संरक्षक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है हाई कोर्ट में, वो अपना बयान हल्फिया लगा करके वहाँ उसको दे दे। जहाँ तक रही बात कारदारों को नहीं देने की, कोई कारदार अगर ये समझता है कि हम घर में बैठे रहेंगे, तो नियमानुसार उनके खिलाफ हाई कोर्ट में ऑटोमेटिकली कार्रवाई होगी। से कोई 7-8 लोगों ने किया है या 5 लोगों ने, एग्जैक्ट हमारे को पता नहीं। इसका ये है कि बहुत सारे देवी देवताओं के कारदारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप की रिपोर्ट।